गाइस कैसे हैं आप सब। सो गाइस आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज हम हिस्ट्री का पेपर सॉल्व करेंगे, वो भी क्लास ट्वेल्थ का। ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए फटाफट, टू विच एरा वाज द हड़प्पा सिविलाइजेशन बिलोंग। जो हड़प्पा सभ्यता है वो किस युग की थी, किसकी थी, कांस्य युग की। ओके ब्रॉन्ज एज। नेक्स्ट इज होम डिड द हड़प्पान वर्शिप। हड़प्पा के लोग किसकी पूजा करते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। व्हाट वाज द मेन फूड ऑफ द हड़प्पा पीपल। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उनका मुख्य भोजन क्या था, तो इसका आंसर भी ऑल ऑफ द अबव ही हो जाएगा। ओके फिर उसके बाद व्हाट वाज द मेन सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर द पीपल ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन मतलब ये तो हो गया, क्वेश्चन सेम है। देन फिफ्थ इज वेयर हैव मोस्ट ऑफ द सील्स रिलेटेड टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन बीन फाउंड। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक मोहरे कहाँ से प्राप्त हुई हैं, सो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है नेक्स्ट इज फ्रॉम वेयर डिड वी गॉट द डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज स्कल्पचर। कांसे की नृत्य की मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फेमस क्राफ्ट सेंटर ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प केंद्र प्रसिद्ध था, तो कौन सा प्रसिद्ध था अगर आप सबको पता हो तो इट्स आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है फ्रॉम विच मटेरियल वर मोस्ट ऑफ द बीड्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन मेड। हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश मनके किस पदार्थ से बने थे, किससे बने थे, सिलखेड़ी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम वेयर डिड द पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन गॉट गोल्ड। सिंधु सभ्यता के लोग सोना कहाँ से प्राप्त करते थे, सो आंसर इज फ्रॉम साउथ इंडिया, दक्षिण भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द एविडेंस ऑफ प्लव्ड फार्म फाउंडेड इन द हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आंसर इज कालीबंगा से। ठीक है हु वॉज द ऑथर ऑफ इंडिका, इंडिका के लेखक कौन है, मेगस्थनीज। हु वॉज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, कौटिल्य। उसके बाद में हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स सक्सेस रीडिंग द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका इन 1837। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की, सो आंसर इज जेम्स प्रिंस। ठीक है प्रिंसेफ। ओके सो आंसर्स जो हैं वो ज़्यादा मुश्किल नहीं हैं, अगर आपने पढ़ाई की हुई होगी तो ये आपको आंसर्स पता लग जाएंगे। ज़्यादातर हड़प्पा सिविलाइजेशन से ही आंसर आए हुए हैं और राइटर्स पोएट वगैरह ये आए हुए हैं। ठीक है ना, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करके उसके बाद अपना टेस्ट दीजिए, और उसके बाद जब टेस्ट दे देते हैं देन आप अपना स्कोर देखिए। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द मेन सेंटर ऑफ आर्ट ड्यूरिंग द कुषाण पीरियड। कुषाण काल में कला का मुख्य केंद्र क्या था, क्या था, तक्षशिला। ओके फिफ्टींथ क्वेश्चन व्हाट इज द स्टडी ऑफ कॉइन्स कॉल्ड। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मुद्रा शास्त्र, न्यूमिस्टमैटिक्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट आर द एलोरा केव्स लोकेटेड। अगर आपने सुना हो एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है, सो इट इज़ इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट द रूलर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी इश्यूड द मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए, सो आंसर इज गुप्त। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन व्हाट वॉज द नेम ऑफ द एयर कैपिटल ऑफ मगधा। मगधा की आरंभिक राजधानी का क्या नाम था, सो आंसर इज राजगृह। हु वॉज द सक्सेसर ऑफ बिंबासार, बिंबासार का उत्तराधिकारी कौन था, सो आंसर इज अजात शत्रु। विच रूलर मेड पाटलिपुत्र द कैपिटल ऑफ मगध। किस शासक ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया, सो आंसर क्या हो जाएगा, उदयन। ओके उद्यन आप ऐसे ही बोल सकते हैं इसको। सो गाइज ये था हिस्ट्री का पेपर क्लास ट्वेल्थ का। ओके सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करें। ओके इसके अलावा आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट आता है, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, हिंदी की मात्राएँ हों, इंग्लिश के ग्रामर रूल्स हों, मैथ्स के शॉर्टकट्स हों, तो आपको इस चैनल पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आप वीडियोस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ पे हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मिल जाएगी। ओके इसके अलावा अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी हम करवाते हैं, चाहे वो डिफेंस हो या अदर एग्ज़ाम हो, हम ऑनलाइन क्लासेस देते हैं और वो भी बहुत नॉमिनल चार्जेस के साथ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उसके लिए भी हमें मैसेज कर सकते हैं। ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।